जिला बिलासपुर की विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में जाली नोट का मामला सामने आया है। एक श्रद्धालु दुकानदार को जाली 100 का नोट देकर प्रसाद लेकर चला गया। 100 का ये नोट नकली है और हूबहू असली जैसा नजर आता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये जाली नोट का मामला श्री नैना देवी में पहली बार नहीं आया है। इससे पहले भी कई बार लोग जाली नोट देकर दुकानदारों को ठग चुके हैं। जिला बिलासपुर के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में जाली नोट का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये जाली नोट का मामला नैना देवी में पहली बार प्रकाश में नहीं आया है। पहले भी कई बार यहां पर जाली नोट देकर दुकानदारों को ठगा जा चुका है। मंदिर के समीप दुकान करने वाले दुकानदार गोल्डी ने बताया कि गत रात एक श्रद्धालु प्रसाद लेने के लिए उनकी दुकान में आया और 20 रुपये का प्रसाद खरीदा, जिसके बाद लड़के ने उसे 80 रुपये हटा दिए। उक्त श्रद्धालु अंधेरे का लाभ उठाकर 100 रुपये का जाली नोट देकर चला गया। जब उसने सुबह पैसे की काउंटिंग शुरू की और बैंक कर्मी को वो नोट दिखाया तो बैंक कर्मी ने इसे नकली करार दिया। बाद में गौर से जब नोट को देखा गया तो नोट में ना तो पट्टी पर RBI लिखा था और पानी लगने से उसका रंग भी उतर रहा था। हालांकि दुकानदार गोल्डी को मलाल है कि उसे चूना श्रद्धालु ने लगाया, लेकिन दुकानदारों को भी सचेत रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नोट को पहले अच्छी तरह जांच लें, उसी के बाद किसी को प्रसाद या अन्य वस्तुएं दें। शाम को अंधेरे के कारण श्रद्धालुओं के द्वारा दुकान में सामान लिया गया, जिसमें उन्होंने नकली नोट जो है 100 रुपये के हमें जो है अंधेरे का फायदा उठा के दिए। तो पट्टी है उसमें RBI नहीं लिखा हुआ है और अगर इसके साथ पानी लगाते हैं तो इसका कलर जो है सारा निकल रहा है, रंग उतर जाता है, इसका सारा रंग उतर जाता है।